हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर यानी कि आपके मुंह में जो कैंसर हो जाता है, मुंह के कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर किस वजह से हो जाता है, कैसे आप इसको पहचानेंगे कि आपके मुंह में जो कंडीशन हो रही है या जो प्रॉब्लम हो रही है वो कैंसर बन रहा है, कैंसर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इसके लिए आप कैसे बच सकते हैं, इस कंडीशन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका सही डायग्नोसिस क्या है, कैसे आप इसको पहचान पाएंगे, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, आप क्या क्या ऐसे सिम्टम्स नोटिस कर पाएंगे कि आप इसको अच्छे से पहचान पाए, नोटिस कर पाए कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ साथ इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि किस वजह से आपको ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कैंसर होने के, और उसके लिए आप सही इलाज क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कैसे कर पाएंगे, इसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें कैंसर से रिलेटेड, ओरल कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे मुंह में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी दिक्कत आने लगती है, पैचेस दिखाई देने लगते हैं, तो सबसे पहले डर आपको इसी चीज का लगता है कि कहीं आपके मुंह में कोई कैंसर तो नहीं बन रहा है, कहीं ये कंडीशन कैंसर की तो नहीं हो रही है। तो इसी विषय में आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करें। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभि कुपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगी, आपको ओरल कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप इसको सही तरीके से पहचान पाए, इससे क्या क्या करना चाहिए कि आप इससे बच सकें, इसको प्रिवेंट कर सकें, और इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकें। आपके जितने भी क्वेश्चंस हों या डाउट्स रहते हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो अच्छे से और आसान भाषा में क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैंसर होता क्या है, किस कंडीशन को आप कैंसर बोलेंगे। आपकी बॉडी सेल से बनी रहती है, जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो सेल से बनी रहती है, और सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना यानी कि सेल्स का अनकंट्रोल्ड बढ़ना उसको कैंसर बोला जाता है। अब जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल्स की तो जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, और ये ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो सेल्स की हो रही है वो सराउंडिंग टिश्यूज को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। हमारी पूरी बॉडी में कहीं पर भी, अगर हमारी पूरी बॉडी में कहीं पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही है तो वहाँ पर आप कैंसर बोलते हैं, उस जगह को आप उस जगह कैंसर होना बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओरल कैंसर की यानी कि मुंह के कैंसर की। तो आपके मुंह में जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही है उसको बोला जाता है ओरल कैंसर यानी कि आपके मुंह का कैंसर। अब ओरल कैंसर आपके मुंह में किस किस जगह पर हो सकते हैं, किस किस रीजन को इंक्लूड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके गाल के अंदर की साइड हो रहे हैं, या फिर आपके लिप्स में, आपकी जीभ पर, फ्लोर ऑफ द माउथ यानी कि जीभ के नीचे, या फिर आपके जो ऊपर तालु है, हार्ट पैलेट जिसे बोलते हैं, वहां पर हो रहा हो, या फिर हार्ट पैलेट के पीछे जो सॉफ्ट पैलेट है उधर हो रहा हो, गले में हो रहा हो, साइनसेस में हो, यहाँ पर ये सारी जगह पर आपके मुंह में आपके जो ओवर ग्रोथ हो जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अगर आप अपने मुंह में ये सारी जगहों में नोटिस कर रहे हैं कि कोई ऐसी ग्रोथ हो रही है सेल्स की, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, और ये चीज आपके काफी लंबे समय से मुंह में बनी हुई है, बढ़ती जा रही है, ये आपकी अपने आप कम नहीं हो रही है, आप मेडिसिन भी खुद से ले रहे हैं तब भी कम नहीं हो रही है, और ये ग्रोथ आपके मुंह में बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है ये कैंसरस कंडीशन है। लेकिन आपको खुद से नोटिस करके इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई और कारण की वजह से, कई और रीजंस की वजह से भी हमारे मुंह में पैचेस हो जाते हैं, हमारे मुंह में जलन हो सकती है, कुछ धब्बे से दिखाई दे सकते हैं, तो हो सकता है ये नेचुरल ग्रोथ हो। तो एक बार आप अगर अपने मुंह में नोटिस कर रहे हैं कहीं पर भी कुछ ओवर ग्रोथ हो रही हो, या फिर कुछ सेल्स आपके ग्रो करते हुए दिख रहे हो, या फिर आपके पैचेस दिख रहे हो, तो आपको डरना नहीं है, एक बार आप इसका जरूर जाकर डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें।
तो इस कंडीशन को आप नोटिस कैसे करेंगे? अगर आपके मुंह में कैंसर की सिचुएशन हो रही है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आप पहचान पाएंगे, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? सबसे पहले जहां पर भी आपके सेल की ओवरग्रोथ हो रही है आपको देखने को मिल सकता है, आप अपने मुंह में नोटिस करेंगे कि उस जगह पर आपके व्हाइट या फिर रेड कलर के पैचेस हो सकते हैं, धब्बे, व्हाइट या फिर रेड धब्बे बन रहे हो, पैचेस जिसे बोलते हैं, पैचेस बन रहे हो, स्वेलिंग भी हो सकती है, और हो सकता है कि उस जगह आपके ब्लीडिंग हो रही, काफी लंबे समय से 1-2 हफ्ते से आपकी ब्लीडिंग हो ही रही है, बंद नहीं हो रही है, और उस जगह पर जहां पर ये ओवरग्रोथ ऑफ सेल्स है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही है, वहां पर आपको थोड़ा सा भारीपन सा लगेगा, सुन्नपन सा लगेगा, एक नमनेस जैसी फील होगी आपको, भारीपन लगेगा, और किसी कारण की वजह से नहीं होगा, कि बिना किसी कारण के आपको वहां पर भारी से ऐसा लगेगा। मुंह खोलने में भी, बात करने में भी, खाना निगलने में भी, आपको गले में भी दर्द हो सकता है, थ्रोट में या फिर मुंह में भी कहीं पेन हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको अपनी आवाज में भी चेंज आएगा। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं अगर आपके मुंह में कैंसरस कंडीशन हो रही, तो आपको उस जगह पर व्हाइट या रेड पैचेस दिखेंगे, ब्लीडिंग हो सकती है, वहां पर स्वेलिंग हो सकती है, और आपको साथ साथ उस जगह पर नमनेस लगेगा, नमनेस के साथ साथ आपको पेन भी होगा और अपनी आवाज में आपको चेंज लगेगा। तो अब हम बात करते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि किस वजह से ओरल कैंसर के चांसेस, आपके मुंह में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे मेन फैक्टर जो होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो ओरल कैंसर का होता है, वो होता है टोबैको प्रोडक्ट्स। अगर आप किसी भी फॉर्म में टोबैको इंटेक करते हैं, अगर आप डायरेक्टली तंबाकू खाते हैं, या फिर अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी ज्यादा ले रहे हैं, या फिर टोबैको के किसी भी प्रोडक्ट को आप किसी भी फॉर्म में इंटेक करते हैं, इसके अलावा अगर आप एल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, एल्कोहल आप डेली ले रहे हैं, तो इसके लिए वजह से आपके मुंह में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप तंबाकू बहुत ज्यादा खा रहे हो या फिर आप एल्कोहल ले रहे हैं, ये दो मेन रिस्क फैक्टर्स रहते हैं आपके मुंह में कैंसर होने के। इसके अलावा अगर आप HPV इन्फेक्शन आपको हुआ है तो ये भी एक फैक्टर बन सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, आपके फैमिली में पहले किसी को ओरल कैंसर हो चुका है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, कारण बन सकता है, आपको भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा सन से एक्सपोज रहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सन में रह रहे हैं, आप धूप में बहुत ज्यादा जाते हैं, सन से एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक फैक्टर बन सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा आपके चांसेस हो सकते हैं आपके मुंह में कैंसर होने। कई इसके अलावा, इन रिस्क फैक्टर्स के अलावा भी कई पेशेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं, कई केसेस ऐसे रहे हैं कि अगर पेशेंट स्मोकिंग भी नहीं कर रहा है, टोबैको भी नहीं ले रहा है, बीड़ी भी नहीं हो रही है, एल्कोहल भी नहीं पी रहा है, लेकिन फिर भी उसे ओरल कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और रिस्क फैक्टर के अलावा भी किसी कारण आपके मुंह में कैंसर हो सकता है। तो अगर आप अपने मुंह में नोटिस करते हैं कोई सेल ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आप अपने मुंह में नोटिस कर रहे हैं, तो तुरंत जाकर उसका चेकअप जरूर कर पाए। अब अगर हम बात करें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, कैसे आप पता करेंगे, कंफर्म करेंगे कि कैंसर की कंडीशन है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो कैंसर के लिए सबसे पहले अगर आप अपने मुंह में कोई अनइवन ग्रोथ नोटिस कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे, प्रॉपर इसका चेकअप किया जाता है, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की जाती है, और अगर अनइवन ग्रोथ नोटिस होती है और ज्यादा चांसेस लगते हैं कैंसर होने की, तो बायोप्सी की जाती है टू कंफर्म कि कैंसर है या फिर कैंसर नहीं है। तो सबसे पहले ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की जाती है और ज्यादा चांसेस लगते हैं कैंसर होने की, तो बायोप्सी की जाती है कंफर्म करने की। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है अगर आपको कैंसर की कंडीशन है, तो इसके लिए कैसे इलाज किया जाता है? जैसे हमारी बॉडी में दूसरे जो कैंसर होते हैं, बॉडी पार्ट में जो कैंसर होते हैं, उसका जैसे ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही आपके ओरल कैंसर में भी ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको रेडियोथेरेपी दी जाती है और कीमोथेरेपी इसके लिए की जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, और ज्यादा जरूरत पड़ने पर सर्जिकल एक्सेशन भी इसका किया जाता है। तो ओरल कैंसर यानी कि आपके मुंह के कैंसर की कंडीशन आपको ना हो, कैंसर से आप बचे रहें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ओरल कैंसर ना हो इसके लिए क्या प्रिवेंशन हो सकता है? सबसे पहला प्रिवेंशन इसका यही रहता है
कि जो ओरल कैंसर का मेन रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से आपके मुंह में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तंबाकू, उसको आपको पूरी तरीके से छोड़ना है। चाहे आप किसी भी फॉर्म में तंबाकू ले रहे हो, डायरेक्ट खा रहे हो, स्मोकिंग करते हो, सिगरेट लेते हो, बीड़ी लेते हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप टोबैको को इंटेक करते हैं, तो आपको टोबैको प्रोडक्ट्स को टोटली अवॉइड करना है, पूरी तरीके से तंबाकू छोड़ना है। इसके साथ साथ एल्कोहल का भी इंटेक आपको नहीं करना है, एल्कोहल भी आपको नहीं लेनी। अगर आप बहुत ज्यादा सन सन एक्सपोजर में रहते हैं, सन से ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, अगर आप डेली बहुत ज्यादा धूप में बाहर जाते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखें कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं ज्यादा धूप में, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप कवर करके ही निकलें। न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी है, आपको जब भी आप खाना खाएं ध्यान रखें कि आपकी डाइट हमेशा न्यूट्रिशियस रहे। और नेक्स्ट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है प्रिवेंशन में, वो होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको अपना खुद से ही एग्जामिन करना है। आपको अपने मुंह में, अपने गले में, फेस पर अगर कोई भी अनइवन सी ग्रोथ नोटिस हो रही है, कुछ अलग चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो उसको आपको खुद से नोटिस करना है, एग्जामिन करना है और तुरंत जाकर अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। आप इसको मिरर के सामने भी आप नोटिस कर सकते हैं। कुछ कुछ दिन में, महीनों में आपको अपने सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना है। आप अपने मुंह में नोटिस कर सकते हैं, अगर आप मुंह खोल के देखेंगे मिरर में, अगर कोई अनइवन ग्रोथ आपको मुंह में अपने लग रही है, तो तुरंत जाकर इसका चेकअप करवाएं। देन रेगुलर डेंटल चेकअप्स, डेंटल चेकअप्स भी आप कम से कम साल में 2 बार जरूर करवाएं। हर 6 महीने में आपको, चाहे कोई प्रॉब्लम हो मुंह में या ना हो, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन डेंटल चेकअप्स आपको हर 6 महीने में जरूर करवाने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं, हमारे मुंह में कुछ ऐसी ग्रोथ हो रही हो जो कि आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा हो कि नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, कुछ ऐसी चीज छाला टाइप हो रहा हो, ये चला जाएगा, लेकिन ज्यादा बढ़ रहा है, आप नोटिस नहीं कर पा रहे। इसलिए सही समय पर अगर आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आने में कोई प्रॉब्लम होने वाली हो, तो वो सही समय पर डायग्नोस हो पाए, चेक हो पाए और सही समय पर उसका ट्रीटमेंट हो पाए, तो आप हर 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप जरूर लें। देन लास्ट पॉइंट रहता है प्रिवेंशन में कि आपको अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखना है। मुंह की सफाई आपको अच्छे से करनी है, प्रॉपर आप अच्छे से अपने मुंह की सफाई रखें, ब्रशिंग अच्छे से करें, मुंह में गंदगी जमा ना होने दें, क्योंकि गंदगी की वजह से भी कई कारण हो सकते हैं। आपके मुंह में गंदगी जमा हो रही तो ये भी आपके मुंह में कुछ ग्रोथ होने के कारण बन सकती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके मुंह के कैंसर से रिलेटेड, ओरल कैंसर के बारे में, कि आपके मुंह में कैंसर किस कारण से हो सकता है, कैसे आप इसे पहचान पाएंगे, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपके जितने भी इससे क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे कि हमारे मुंह में अगर कैंसर हो रहा है तो हम इसे कैसे पहचान पाएंगे या इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हूँ। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।